कही राम को क्या कहेंगे यार, जो इस तरीके का घिनौना काम किया है। अब जहाँ कहित के भगवान तो मर जाते तो बड़ा बढ़िया रहा, और आर हो जाती है। नहीं, आरोप गलत है। हाँ। गलत तरीके से फंसाया गया है, कोई शादी विवाह नहीं किया है जी। रुद्र राम यादव ने जो काम किया है बहुत घिनौना काम किया है, अगर उनको करना था तो वो अपने बेटे से ही शादी कर लेते तो और बेटर था। सुदय राम जब जिस दिन भगा के ले गया था उसी दिन हम लोग एक गाड़ी से उसके यहाँ गए थे घर पे उसके, तो वो मेरी बीवी को अपने घर में ही रखा था, लेकिन अपने घर वाले को। ये बताइए, सुदय राम यादव आपके पिता हैं जी, बिरहा गायक हैं जी जी, आ काफी मंच पे बिरहा भी गाते हैं जी। बिल्कुल गाते हैं, कलाकार तो हैं तो गाएंगे ही जी। उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि किसी महिला से वो शादी कर लिए हैं। नहीं, आरोप गलत है। हाँ। गलत तरीके से फंसाया गया है, कोई शादी विवाह नहीं किया है जी। मेरा बीबी सुदय राम ने उसको एक मोबाइल दिया था, वो बात करते हुए मैंने उसको पकड़ा, तब मैंने अपने बीबी को एक झापड़ मारा, तो उन्होंने एक बड़ी मोबाइल जो मैं दिया था वो मोबाइल से सुदय राम को फोन की। सुदय राम 9:30 बजे करीब में मेरे घर पे रात को आया, वो जो महिला के जो पति हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हम जो सुदय राम यादव बिरहा कलाकार हैं, हमारी बीवी को एक मोबाइल गिफ्ट किए थे और हम बाहर रहते थे जी। और जब हम घर लौटे तो उनसे हमेशा बात करती रहती थी जी, और इसी संदर्भ में हम उनको एक बार मारे तो आपके पिताजी को फोन करके बुलाई। नहीं नहीं नहीं, बात गलत है। मारे इसलिए थे कि क्यों उनके जमीन के दिवा दे। बताइए, अगर कोई लड़की सत्य बोल दिया हमारे पिताजी की ओर की जमीन हमारा राजी खुशी दिया गया, तो तब इस पर मारे थे ना, मोबाइल फोबाइल ये सब बात गलत है जी। सारी बात अपनों के फंसने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल दिए थे, आगुआ अड़वा पड़वा, ये सब बात गलत है। हमारे पिताजी आएंगे तो सारी बात बताएंगे, इस तरह हमको जानकारी नहीं, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है हमारे पिताजी ऐसे नहीं कर सकते, सब बात गलत है। सुदय राम को क्या कहेंगे यार, जो इस तरीके का घिनौना काम किया है। अब जहाँ सुदय राम के जहाँ है वो तो हम तो कहित के भगवान तो मर जाते तो बड़ा बढ़िया रहा, और आर हो जाती है क्योंकि वो एक बिरहा कलाकार हैं जी। अरे यार, और फिर 10 आदमी में समाज में समझा रहे ऐसा कर सकता है आपको जी, है जी, तब बताइए आप। तो उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है ये सब आरोप झूठा है। आरोप झूठा है भाई, कोई खसा दे माला भर ऐसे आरोप सम्मान में समझ के डाल दिया। एक वीडियो भी आया है कि वो मंच पे नहीं एक मंदिर में माला एक दूसरे को डाल रहे हैं जी, तो उसमें क्या कहेंगे सर? भैया उसमें हम थे नहीं मौजूद जी, उसमें हमारे पिताजी साहब हम रहे थे। अब भाई कोई मजबूरी में उनके ऊपर के पास में क्या गुजरा था, वो सब क्या कह के माला डलवा दिए, वो सम्मान में डाले कि सम्मान में ही डाले बता रहे हैं, लेकिन वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कैसे वीडियो डाले शादी ब्याह कह ले। ऐसे शादी होता है? वहाँ 2-4 पुलिस दरोगा रहते तब शादी होता है कि ऐसे मनमानी शादी, उसमें माला डालते हुए एक ही हमारे अधिकारी महोदय नहीं आए, हम कैसे मान ले मंदिर में थाने में शादी हुआ। लोग कह रहे थाने में शादी थोड़ी हुआ, ये सब फालतू बर्बाद है। उसके पति का ये भी कहना है कि अगर कुछ भी होता है हमारी पत्नी को तो उसका जिम्मेदार है सुदय राम यादव बिरहा सम्राट, ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम उनके लड़के इतने हमकी जानकारी नहीं है। ये सब तो हमारे पिताजी भी आ रहे हैं, हमारे पिताजी कल कार्यक्रम है गए हैं, अपने दाढ़ी बार बनवा के अपने काम से कुछ गए, अभी 1 घंटा आप इंतजार के, आप सबका सदा हमारे यहाँ द्वार पर दरवाजे पर सम्मान है, आप अच्छा रहिए, 1 घंटा हमारे यहाँ बैठिए, आपको हमारे पिताजी सारी न्यूज दे देंगे आप सबको, इसके लिए धन्यवाद चाहेंगे आप सबसे। लेकिन बदनाम के जो किया जा रहा है सब बात गलत है, आप लोग बहकाए में नहीं आइए, हमारे पिताजी भी पूरी रिपोर्ट आपको बता देंगे, ये सब बात गलत है। हमारे घर के कोई राजी बंदी है, सब फिर यहाँ जा रहे हैं कि कोई शादी विवाह नहीं हुआ है। मित्रों आप देख सकते हैं जो सुदय राम यादव बिरहा सम्राट है ये उनके बेटे हैं, ये भी मंच पे बिरहा गाते हैं और बहुत ज्यादा वायरल भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा बिरहा भी गाते हैं। इनका चैनल भी है, वहाँ पे जाकर आप विजिट करिए, इनके चैनल पे अच्छी अच्छी बिरहा आपको देखने को मिलेगा। गायक सुदय राम यादव बिरहा म्यूजिक। हम चाहेंगे कि थोड़ा एक कोई एक लाइन हो तो थोड़ा सुना दीजिए। अरे यार थोड़ा सा बस थोड़ा सा गुनगुना दीजिए तो भी चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, हम शिव प्रसाद सिंह यादव हैं और एक भोजपुरी कलाकार हम भी सीख रहे हैं, हमारे पिताजी बिरहा सम्राट सुदय राम यादव हमारे पिताजी बिरहा गाते हैं और उन्हीं के लेते हम भी सोच रहे हैं अपने पिताजी का पगड़ी थोड़ा हम भी बचाएं बिरहा, क्योंकि अहिर बिरादरी का धरोहर है, अगर बिरहा नहीं गाएंगे तो क्या भैंस बकरी चराएंगे, जो बिरादरी है दूध नहीं बेचेंगे, बिरहा नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे। अहिर बिरादरी का यही तो था है कि बिरहा गाए अपने बिरादरी को समाज के बचा के रखें। तो दोस्तों इसलिए हम बिरहा भी गाते हैं हमारे पिताजी का संगे संगे, अपने पिताजी के संगे अपने पिताजी का पगड़ी संभालने की कोशिश है हमारी भरपूर।